पाक पढ़ने वाले को क्या क्या मिलता है। उलमा बैठे हैं, तकरीबन हर ही मेरे जुमले के पीछे कोई हदीस या कोई रिवायत होगी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसा कमाल का वजीफा है। मैं जो कहता जाऊं, दिल खुश हो तो सुभान अल्लाह कहते जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोज़ी में बरकत हो तो दुरूद पाक पढ़िए। अगर आप चाहते हैं कि बीमारियाँ दूर हो जाएँ तो दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं आपकी टेंशन रिलीज़ हो जाए, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं जिल्लत तो रुसवाई से बचें तो दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं आपकी इज्जतों में इजाफा हो जाए तो दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं कि मरते वक्त कलमा नसीब हो और नबी पाक का दीदार हो जाए तो दुरूद पाक पढ़िए। बल्कि आप ये चाहते हैं कि कब्र में भी नूर मुस्तफ़ा से मेरी कब्र जगमगाए तो दुरूद पाक पढ़िए। कयामत के दिन नबी पाक के परचम तले उठना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। आका के हाथों जामे कौसर पीना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। बल्कि सुनिए, आका के साथ जन्नत में दाखिल होना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। मदीने जाना है तो दुरूद पाक पढ़िए। ख्वाब में सरवर कायनात अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करनी है तो दुरूद पाक पढ़िए। मुझे बताइए, कुछ और बच गया है ज़िंदगी में? और कुछ चाहिए हैं? और क्या चाहिए हमें? रोज़ी में बरकत हो, जिल्लत और रुसवाई से बचूं, बीमारियां उतर जाएं, टेंशन रिलीज हो, अल्लाह इज्जतों में इजाफा करे, कलमे वाली मौत मिले, आका का दीदार हो और जन्नत में भी नबी पाक साथ ले जाएं, जब तक जिंदा रहूं मदीने जाता रहूं। इसके अलावा तो बचता ही कोई नहीं है ना मुसलमान के लिए। अब माशाल्लाह उलमा बैठे हैं, आप इनसे पूछें कि ये सारी फजीलतें अहादीस में और रिवायात में दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए मौजूद हैं, फिर भी हम दुरूद पाक नहीं पढ़ते, फिर भी हम इसको अपना वजीफा नहीं बनाते। अगर दुरूद पाक को हम अपना, इसको कहते हैं ना कि चाबी है ये, इट इज अ की ऑफ सक्सेस, कामयाबी की चाबी है, हर प्रॉब्लम दूर करने की चाबी है, तो प्लीज दुरूद पाक को हिर्ज़े जहां बनाइए, चलते फिरते उठते बैठते जितना हो सके दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। बल्कि वो शायर बहुत खूबसूरत बात लिखते हैं कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। तो हमारा तो काम यह है कि बस किसी प्रॉब्लम में पढ़ते रहे इंशाल्लाह, बल्कि प्रॉब्लम आनी नहीं है अगर आप दुरूद पाक कसरत से पढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों,